अरे रेसलिंग फैंस, तैयार हो जाओ क्योंकि WWE में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। क्या डेनियल ब्रायन WWE में वापसी कर सकते हैं? 2021 में डेनियल ब्रायन का WWE छोड़ने का फैसला बहुत बड़ा था। उन्होंने बहुत कुछ जीता, कई चैंपियनशिप जीती और अपने खेल और अपने किरदार से सबको अपना दीवाना बनाया। ब्रायन, जिन्हें अब ब्रायन डेनियलसन के नाम से जाना जाता है, AEW में चले गए, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से प्रशंसकों को प्रभावित करना जारी रखा। हालांकि हाल ही की रिपोर्टों से पता चलता है कि AEW के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया होगा। क्या उनकी होगी ए सेंसेशनल रिटर्न? यहीं से अफवाहें शुरू होती हैं। क्या यह WWE में वापसी का रास्ता साफ कर सकता है? हाल ही में रॉ पर ब्रायन का जिक्र सुनकर फैंस कयास लगा रहे हैं। क्या जल्द ही रिटायरमेंट ऑन द होराइजन? यहाँ एक नया मोड़ है। खबरें ये भी हैं कि ब्रायन जल्द ही रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर वह AEW छोड़ भी देते हैं तो क्या WWE एक विकल्प हो सकता है? What does the future hold? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ब्रायन ने अपने परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा जताई है। क्या WWE उनके शेड्यूल को ध्यान में रखेगा? क्या ब्रायन 2021 में जाने के बाद वापसी करेंगे? ये सब अटकलें हैं, लेकिन इसने रेसलिंग की दुनिया में हलचल जरूर मचा दी है। क्या आप डेनियल ब्रायन को WWE में वापस देखना चाहेंगे? उनकी वापसी का कंपनी पर क्या असर पड़ेगा? हमें नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। और ऐसी ही रोमांचक रेसलिंग खबरों और चर्चाओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।